हेलो गाइस, सो रिसेंटली दुबई के इमार ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो 5 लाख स्क्वायर फीट का शॉपिंग मॉल बनाने जा रहे हैं श्रीनगर में, जो कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल होने वाला है। सो इसके रिकॉर्डिंग एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU भी साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ दुबई और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने, ताकि उनको जो इन्वेस्टमेंट है वो फैसिलिटेट कर सकें। और ये जम्मू कश्मीर की फर्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है जम्मू और कश्मीर यूटी में। सो इस वीडियो में हम देखते हैं इमार ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट इन्होंने किए हुए हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट अभी और होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इमार प्रॉपर्टीज इज ए मल्टीनेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट कंपनी जो कि लोकेटेड है UAE में, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1997 में बाय मोहम्मद अलाबर। और जून 2021 की बात करें तो इसकी वैल्यूएशन करीब 15.5 बिलियन $ के बराबर है, मतलब कि काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल इस्टेट डेवलपर कंपनी है और ये अपने बड़े सारे प्रोजेक्ट्स के लिए मशहूर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, जैसे कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग जो कि हम सबको पता है बुर्ज खलीफा है, वो भी इसी कंपनी के द्वारा डेवलप की गई थी। और जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल है दुबई में, जिसको दुबई मॉल कहते हैं, वो भी इमार ग्रुप प्रॉपर्टीज़ के द्वारा डेवलप किया गया था। और ये प्लान कर रहे हैं वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। फिलहाल बुर्ज खलीफा है, लेकिन बुर्ज खलीफा से भी बड़ा स्ट्रक्चर होने वाला है जिसका नाम है दुबई क्रीक टावर। और ऐसे प्रेडिक्ट किया जाता है कि 2022 तक ये इसे भी कंप्लीट कर देंगे। और इंडिया में बात करें तो कैपिटल टावर्स जो कि गुरुग्राम में, इंदौर प्लॉट्स जो कि इंदौर में, और भी ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो इनके चल रहे हैं और इन्होंने कंप्लीट भी किए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो रियल इस्टेट समिट हुआ था जम्मू में दिसंबर 2021 में, उसमें जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट ने 39 MOUs साइन किए थे जिनकी वर्थ करीब 19,000 करोड़ थी। 39 MOU साइन किए थे, उसमें 20 मेमोरेंडम थे रेजिडेंशियल सेक्टर के रिलेटेड, 7 थे कमर्शियल के रिलेटेड, 4 थे हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड, 3 थे इंफ्राट्रक, 3 थे फिल्म के रिलेटेड और 2 थे फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड। मोहम्मद अलाबर हैं जो फाउंडर हैं कंपनी के, उन्होंने कहा है कि कंपनी वर्ल्ड क्लास मॉल का एक्सपीरियंस देना चाहती है जम्मू और कश्मीर के रेजिडेंट्स को और टूरिस्ट को भी। आने वाले टाइम में जो इमार ग्रुप है ये जम्मू और श्रीनगर और भी इन्वेस्टमेंट करने वाला है रिलेटेड रियल इस्टेट, हॉस्पिटैलिटी एंड मिक्स यूज ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। और एक्सपो 2020 में जो इंडिया पवेलियन है वो शोकेस करने वाली है प्रोडक्ट्स जो प्रमोट करते हैं जे एंड के टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट्स के रिलेटेड। जो जम्मू कश्मीर के LG हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा है कि जो जम्मू और कश्मीर है ये 60,000 करोड़ टच करने वाला है बड़ी ही जल्दी, और जो इमार ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़ का इन्वेस्टमेंट है ये इसमें बड़ा ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आई होप और भी इन्वेस्टर्स इसी तरह अट्रैक्ट होते रहेंगे जम्मू कश्मीर में और भी इसी तरह इन्वेस्टमेंट होते रहेंगे।